हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के नाम से जाना जाता है, उस टॉपिक में से विभाजन मूल्य की गणना एक इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी में विभाजन मूल्य की गणना किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में यह देखा था कि विभाजन मूल्य किसे कहा जाता है, किस प्रकार से व्यक्तिगत व खंडित श्रेणी में विभाजन मूल्य निकाले जाते हैं और सतत श्रेणी में विभाजन मूल्यों की गणना किस प्रकार से की जाती है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर व्यक्तिगत श्रेणी हो तो विभाजन मूल्यों की गणना किस प्रकार से की जाती है। इसके लिए हमने एक सवाल लिया है जिसमें 2, 10, 2, 4, 8, 31, 19, 25, 21 ये इस प्रकार से करीब 20 मूल्य दिए हुए हैं और हमको विभाजन मूल्य में जो गणना करनी है Q1, Q3, पेंटियम फर्स्ट, पंचमक फर्स्ट, पंचमक थ्री, ऑक्टाइल फर्स्ट, ऑक्टाइल सेवन, डेसाइल थ्री, डेसाइल नाइन, P35 और P99। हमको ये 10 मूल्यों की गणना करनी है ताकि हम एक 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 सारा मूल्य ले लेंगे तो हमको सभी प्रकार के मूल्यों की गणना करना आ जाएगा। तो मैंने ये लिया है, इसमें क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल थ्री लिया है, पेंटाइल फर्स्ट और पेंटाइल जो पंचमक फर्स्ट और पंचमक थ्री लिया है, इसी प्रकार से ऑक्टाइल वन और सेवन लिया है, डेसाइल थ्री और नाइन लिया है और पेंटाइल P35 और P55 ले लिया है। तो हम देखिए इसमें किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, इसको हम जैसा कि हम मीडियन के कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले सीरीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। उसी प्रकार से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सीरीज को डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो मैं यहां सीरियल नंबर लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आप इस पूरी सीरीज को या तो बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे या घटते हुए क्रम में जमाएंगे। तो सबसे पहला आइटम देखिए, सबसे छोटा आइटम है 2, मैं बढ़ते हुए क्रम में जमा रहा हूं, ये एक्स वैल्यू 2, उसके बाद में है 4, उसके बाद में 4 के बाद में आपका आएगा 10, 10 से 8, 8, 10, उसके बाद में आएगा 11, 11 के बाद में अपना आएगा 13, 15, 13, 15, उसके बाद में 17, 19, 17, 19, फिर 21, सॉरी 21 से पहले 20 है, सॉरी 20, 21, बीच में 18 रह गया हमारा, तो 18 यहां आएगा, 18, 19, 20, 21 तक हो गया। आप देखिए 21 से कोई छोटी संख्या तो नहीं रही ना, 24 टू टाइम्स है, 24 एंड 24 और 25, ये 24 ये 24, 22 रह गया, देखिए 22, 24, 24, 25, 24, 25, 1, 2, 3, 4, आइटम 1, 2, 3, 4 ही बचा है, इसका मतलब सही है। फिर 31, 30, ये 30, इसके बाद आता है 31, तो मैंने लिखा 31, इसके बाद आता है 35, तो मैंने 35 लिखा और लास्ट 40। ये हमने क्या किया, पूरी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। आप चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जमा सकते हैं, तो हमने पूरी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। अब मान लीजिए मेरे को पहले निकालना है Q1, तो Q1 निकालना क्या, प्रथम चतुर्थक के लिए साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम वैल्यू, ये सूत्र लगाएंगे Q1 निकालने के लिए, साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम वैल्यू। तो आपको क्या करना है, Q1 बराबर साइज ऑफ n का मान 20 प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम वैल्यू, तो Q1 का आइटम हुआ 5.25 आइटम, ओके। तो Q ये 5.25 आइटम निकालेंगे ना,
तो इसको ऐसे करेंगे, फिफ्थ तो पूरा है प्लस 0.2 फिफ्थ हिस्सा आ रहा है सिक्स और फिफ्थ के बीच में, ये इसका फॉर्मूला है। क्या करना है हमको, 5.2 फिफ्थ आइटम निकालना है तो इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा है, तो 5 आइटम तो पूरा है, 0.25 का हिस्सा 6 और 5 के बीच में है, तो हम 6 में से 5 को घटाएंगे, तो देखिए 5 तो आइटम, 5 आइटम तो 11, देखिए ये 5 आइटम 11 प्लस 0.25 का हिस्सा है 13 माइनस 11 के बीच में, क्योंकि 6 आइटम है 13, 5 आइटम है 11, तो आएगा 1 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई 2 तो आएगा 11.5, तो Q1 का मान आ गया, आंसर आ गया Q1 बराबर 11.5। ये इस प्रकार से हम करेंगे, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम वैल्यू, फिर 20 प्लस 1 अपॉन 4, 5.25 आए तो 5 पूरा है, उसके बाद 0.25 का हिस्सा 6 और 5th के बीच में है, तो हम 6 माइनस 5th करेंगे और इस प्रकार से निकालेंगे। अभी आप देखिए Q3 का आइटम कैसे निकालते हैं, एक 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 करके कराएंगे तो आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस प्रकार से हम निकालेंगे। हम थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, तो ये आएगा साइज ऑफ 3n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम वैल्यू, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, n प्लस 1 अपॉन 4 तो पहले से ही था, Q1 का मान n प्लस 1 अपॉन 4 था, तो इसको थर्ड क्वार्टाइल इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा कि मैंने पहले बताया साइज ऑफ 3 ये 20 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम वैल्यू, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 5.2 फिफ्थ आइटम, यह आ जाएगा 15.7 फिफ्थ आइटम वैल्यू। क्या करेंगे, 5.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 डिवाइडेड बाय 4 तो आएगा 5.25, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आएगा आपका 15.75। तो अब देखिए 15.75 ये 15 और 16 के बीच में वैल्यू निकालनी है ना, तो हम 15th को पूरा लेंगे और 0.75 हिस्सा लेंगे 16th माइनस 15th के बीच में, तो यहां देखिए 15th आइटम 24 तो हम पूरा का पूरा लेंगे प्लस 0.75 हिस्सा लेंगे हम 25 16 माइनस 24 15, तो ये आंसर आ जाएगा 24.75 Q3 का मान आ जाएगा, तो यहां आ गया Q3 बराबर 24.75। ये Q3 निकालने का प्रोसेस हुआ। अब देखिए अगर हमको पंचमक निकालना है, क्या करना है, 3n प्लस 1 अपॉन 4, जो n प्लस 1 अपॉन 4 था उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि थर्ड आइटम करना है, सिर्फ 15.75 आया तो 15 पूरा लेना है, तो यह देखिए 15 24, 0.75 का हिस्सा 16th और 15th के बीच में है, तो 0.75 16th माइनस 15th ले लेंगे। अब देखिए हमको मान लीजिए पेंटाइन निकालने को क्वांटाइन निकालना है, यानी पंचमक, फर्स्ट पंचमक निकालना है। फर्स्ट पंचमक के लिए साइज ऑफ ये n प्लस 1 अपॉन 5th हो जाएगा, क्योंकि पंचमक 5 भागों में बांटता है आइटम वैल्यू, तो साइज ऑफ 20 प्लस 1 अपॉन 5th आइटम वैल्यू, तो ये हो जाएगा 21 से 5 से डिवाइड करेंगे 4, 21 डिवाइडेड बाय 4, 21 डिवाइडेड बाय 5 तो आप क्या करेंगे 4.25 आएगा, 4.20 आएगा 21, ओके, तो ये आएगा 21 अपॉन 5th आइटम, ये 4.2th आइटम वैल्यू, तो यहां देखिए 4.2 आइटम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ पूरा इसलिए लेंगे, फोर्थ आइटम प्लस 0.2 का हिस्सा लेना है फिफ्थ माइनस फोर्थ में से, तो फोर्थ आइटम देखिए 10 पूरा है प्लस 0.2 का हिस्सा लेना है 11 माइनस 10 तो आएगा 10.2, इसको थोड़ा सा और मैं वेरीफाई करूं, 10 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 10.2, सो फर्स्ट पंचमक आएगा 10.2। देखिए ये 20% को बताता है 10.2, ये 25% को बताता है तो 11.5 आया है, डिफरेंस आया है,
तो ये देखिए पंचमक निकालने का तरीका है, पंचमक निकालना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, पांच से डिवाइड करेंगे, क्लियर। अब आप देखिए अगर इसी पंचमक को मुझे थर्ड पंचमक निकालना है तो मैं इसी को थोड़ा मॉडिफाइड कर लेता हूं, मुझे अगर थर्ड पंचमक निकालना है तो मैंने यहां थ्री लिखा तो यहां मेरे को थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां होगा एन थ्री बराबर थ्री मल्टीप्लाई 4.2 आइटम वैल्यू, सो यह आएगा 12.6 आइटम वैल्यू। तो 12.6 आइटम, 12th आइटम प्लस 0.6 13 आइटम माइनस 12th आइटम, देखिए 12.6 है ना, 0.6 वैसा है वो 13 और 12th के बीच में लाइज कर रहा है, तो हम 12th को तो पूरा पूरा लेंगे, 12th आइटम हमारा है ये रहा 21, तो 21 को तो पूरा पूरा लेंगे और 0.06 वा हिस्सा लेंगे 22 माइनस 21, तो आ जाएगा 21 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 1 तो आएगा 21.6, तो इसका मतलब थर्ड पंचमक आएगा 21.6, ये बताता है 60%। तो देखिए 60% कम है, 75% और ज्यादा है, बिल्कुल जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा हमने कैलकुलेशन करना है वैसा ही इसके अंदर आ रहा है। अब आप देखिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमको निकालना है मान लीजिए ऑक्टाइल फर्स्ट, तो ऑक्टाइल फर्स्ट निकालने के लिए लिखेंगे ऑक्टाइल फर्स्ट बराबर साइज ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एट आइटम वैल्यू, तो ऑक्टाइल फर्स्ट बराबर साइज ऑफ 20 प्लस वन अपॉन एट आइटम वैल्यू, तो ऑक्टाइल फर्स्ट हो जाएगा आपका 21 अपॉन एट आइटम वैल्यू, 21 अपॉन 8 आइटम वैल्यू निकालनी है तो इसका मान आएगा आपका 2.625 आइटम वैल्यू, तो ये आएगा 2.625 आइटम, सेकेंड आइटम प्लस 0.625 थर्ड माइनस सेकेंड आइटम, ये 12.5% को बताएगा, तो सेकेंड आइटम हमारा है 4 प्लस 0.625 एट माइनस फोर्थ, तो आएगा 4 प्लस 0.625 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 0.625 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका आएगा 2.5, तो आएगा 4 प्लस 2.5 दैट इज 6.5, सो आपका ऑक्टाइल फर्स्ट हो जाएगा 6.5, ये 12.5% को बताता है, तो ऑक्टाइल फर्स्ट बता रहा है आपका 6.5, ये 12.5% को बता रहा है और ये 20% को बता रहा है, तो देखिए इससे ज्यादा है। अब मान लीजिए मुझे ऑक्टाइल 7 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यही से ऑक्टाइल 7 करूंगा तो इसको यहां से 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 7 तो यहां 7 आ जाएगा, तो 2.625 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आएगा 18.375, क्या आ जाएगा 18.375 आइटम। क्या करना है, हमने क्या किया, ऑक्टाइल 7 लेना है तो 7 एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 आइटम वैल्यू, तो 7 20 प्लस 1 अपॉन 8 आइटम वैल्यू, तो 7 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 18.375 पर वैल्यू, तो हमको क्या करना है 18.375 वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे 18 को तो पूरा लेंगे प्लस 0.37 19th में से 18th को घटाएंगे, तो 18th हमारा ये रहा 31 पूरा पूरा लेंगे प्लस 0.375 35 माइनस 31 तो आएगा 31 प्लस 0.375 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 0.375 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 1.5, तो ये आ जाएगा आपका 31 प्लस 1.5 दैट इज 32.5,
तो हमारा ऑक्टाइल 7 हो जाएगा 31.5, ये आपका बताता है 87.5% को, जो लगभग देखिए 100% के आसपास है, 87.5% को बताता है, क्योंकि 12.51% को बताता है ऑक्टाइल फर्स्ट, 12.5% को बताता है, तो 12.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 87.5%। अब आप देखिए डेसाइल थ्री निकालना है हमको, तो डेसाइल थ्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D3 बराबर 3 साइज ऑफ 3 n प्लस 1 अपॉन 10th आइटम वैल्यू, तो डेसाइल 3 हो जाएगा साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 अपॉन 10 आइटम वैल्यू, तो D3 हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 10th 6.3rd आइटम वैल्यू, तो 6.3rd आइटम निकालना है, तो 6 तो पूरा है, पॉइंट थर्ड वा हिस्सा है 7th माइनस 6th, तो 6th आइटम पूरा 13 प्लस 0.3 15 माइनस 13th, तो आएगा 13 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 13.6, तो D3 का मान आ जाएगा 13.6, ये आपका D3 का मान आ गया 13.6। अब देखिए D9 निकालना है, लगभग D9 यहां आएगा 35 से 40 के बीच में या 31 से 35 के बीच में आएगा, तो D9 निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, यह 9 कर देता हूं, यहां पे भी मैंने 9 कर दिया, यहां पे भी मैंने 9, यहां मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहां से चेंज कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 10, तो आएगा 18.9, तो D9 की वैल्यू निकालनी है बराबर साइज ऑफ आपका आ जाएगा 18.9 आइटम वैल्यू, देखिए लगभग यही आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आएगा 18.9 आइटम बराबर 18th आइटम प्लस 0.9 वा हिस्सा है 19th माइनस 18th आइटम में, तो 18th आइटम का मान है 31 प्लस 0.9 वा हिस्सा है 35 माइनस 31, तो आएगा 31 प्लस 9, तो यह आ जाएगा आपका D9 का मान आ जाएगा 34.6। ये देखिए ये 90% को बताता है, तो इससे ज्यादा है, ये 87.5% को बता रहा था, ये 90% को बता रहा है, तो आया D9 का मान हमारा आया 34.6। इसी प्रकार से देखिए परसेंटाइल जो 100 डिवाइड करता है, 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम P35 निकालना चाहते हैं, तो हमारेगा P35 इज इक्वल टू साइज ऑफ 35 एन प्लस 1 अपॉन 100 आइटम वैल्यू, तो ये आएगा साइज ऑफ 35 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 100 आइटम वैल्यू, तो हमको क्या करना है 35 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा 7.35 आइटम, तो साइज ऑफ 7.35 आइटम वैल्यू, तो 7.35 आइटम, 7th आइटम प्लस 0.35 लाइज कर रहा है 8 माइनस 7th आइटम, तो 7th आइटम हम देखेंगे दैट इज 15 प्लस 0.35 17 माइनस 15, सो आएगा 15 प्लस 0.35 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 15.7, सो द वैल्यू ऑफ P35 इज इक्वल टू 15.7, तो ये आ जाएगा P35 की वैल्यू होगी 15.7। अब आप देखिए लास्ट हमको एक और करना है P55, तो हमको इसके लिए क्या करना है, P55 करने के लिए यहां 55 कर देता हूं मैं, P55 होएगा तो यहां पे 55 होगा,
और यहां पे भी 55 होगा। तो हमको क्या करना है, 55 × 21/100, तो वी विल गेट 11.55। तो आएगा साइज ऑफ 11.55 आइटम वैल्यू। आप करके देख लेना इसका कैलकुलेशन, ये आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या तो आएगा 1155, सो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आइटम, 11th आइटम प्लस 0.55, 12th आइटम माइनस 11th आइटम, तो 11th आइटम 20 प्लस 0.55, 21 माइनस 20 तो आएगा 20 प्लस 0.55 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये P55 का मान आएगा 20.55। इस प्रकार से देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में हम पार्टीशन वैल्यू की गणना कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के हो सकते हैं कि उसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है, और अगर यहाँ डिफरेंस कम होगा तो आपको बिना कैलकुलेटर के भी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे इंडिविजुअल सीरीज में मध्यका की गणना करते हैं, उसी प्रकार से पार्टीशन वैल्यू की गणना भी उसी प्रकार से की जाती है इंडिविजुअल सीरीज के लिए। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा पार्टीशन वैल्यू की गणना करने के लिए। थैंक यू।